Hello students, very good evening and I am Surbhi. I welcome you all to IFS and in today's class we are going to look at vocabulary part. So till yesterday we were looking at grammar part, okay, and in today's class we are going to see the topics related to vocabulary. Ab vocabulary mein kaun kaun se topics aate hain? Vocabulary mein सबसे पहला हमने जो टॉपिक देखा था वो था वर्बल एनालॉजी का, वो भी वोकैबुलरी रिलेटेड ही टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो वो सबसे पहले देखा हमने. और ये जो टॉपिक्स है दीज आर सेकेंडरी टॉपिक्स, मतलब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स के लिए. लेकिन जितना वर्बल एनालॉजी को फोकस किया जाता है उतना ये टॉपिक्स को नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें छोटी एकदम छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती है. इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको नहीं करना है, बस आपको मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी कि उनका मीनिंग क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली. और उसमें इन ये टॉपिक्स के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके. और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स आपको कैसे देने होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वोकैबुलरी, ओके. तो अब वोकैबुलरी मतलब क्या होता है? सो ऑल द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड एज वोकैबुलरी. अब वोकैबुलरी मतलब क्या होता है कि जो भी वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में आते हैं उनको वोकैबुलरी कहते हैं. विच एवर वर्ड आई विल से स्पेल प्रोनाउंस ऑल दोज आर वोकैबुलरी. सो इफ आई से इंग्लिश, this is a word and this is vocabulary of English, okay. And then if I say cat, if I say dog, if I say pen, ये सारे words जो भी है ये सारे किस में consider किए जाते हैं? वोकैबुलरी में कंसिडर किए जाते हैं. तो जैसे इंग्लिश ग्रामर इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, वैसे ही वोकैबुलरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. विदाउट वोकैबुलरी यू कैन नॉट, मतलब आप बोल ही नहीं पाओगे. अगर आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे इंग्लिश के तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे और आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, करेक्ट. तो वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर यू आर डीलिंग विद वर्बल एबिलिटी या इंग्लिश, ओके. तो अब हम देखेंगे कि वोकैबुलरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है अप्रोप्रिएटनेस, एंड सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सबसे पहले हम अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या होता है वो देखेंगे. तो अप्रोप्रिएटनेस मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट वोकैबुलरी वी रेफर टू द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस. तो यूज ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, देन एक्सप्रेशंस व्हिच आर कंसिडर्ड मोस्ट सूटेबल एक्सेप्टेबल एंड करेक्ट. तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सूटेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ओके. यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आपको, तो इफ वी आर टू गेट और टू अचीव दिस स्टेटस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट मलेशियंस चेक द डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश. तो यहाँ पे आप दो वर्ड्स दिए हैं, एक तो है हम गेट और एक है अचीव, ओके. वैसे देखा जाए तो ये दोनों वर्ड्स करेक्ट है, इन दोनों के स्पेलिंग्स करेक्ट है, लेकिन अब आपको लेकिन आप दोनों वर्ड्स तो नहीं यूज कर सकते एक सेंटेंस में, आपको इन दोनों में से किसी को एक का ही यूज करना होगा. तो अब क्या आपको करना है, इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है.
तो आपको क्या करना है कि वो सूटेबल होना चाहिए सेंटेंस के लिए, फिर वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए उस सेंटेंस के लिए, और करेक्ट भी होना चाहिए. करेक्ट तो ये दोनों है, तो दिस करेक्टनेस इज अप्लाइड टू बोथ द वर्ड्स. लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सूटेबल होना चाहिए. सेंटेंस में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड सूट हो रहा है वो हम यूज करेंगे. सो इट इज बेसिकली आपको सिनोनिम्स यूज करने होते हैं. सिमिलर वर्ड्स आपको दिए गए होंगे या आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए गए होंगे, और उसमें से आपको करेक्ट वर्ड कौन सा होगा वो चूज करना है. सिमिलर गोज विथ ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर. जब ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर में क्या होता है, जैसे हमने अब अप्रोप्रिएटनेस देखा, वैसे ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. कोई भी आपको चार ऑप्शंस दिए गए होंगे सेंटेंस में, उसमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सूट करेगा वो आपको सिलेक्ट करना होता है. ओके, तो चूजिंग द परफेक्ट ऑप्शन क्या इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट ऑप्शन विच इज बेस्ट सूटेड फॉर द कॉन्टेक्स्ट एंड विच विल गिव यू मार्क्स. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना इंपॉर्टेंट है. कौन सा परफेक्ट वर्ड है जो ये सेंटेंस को सूट होता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे. ओके, यस यस स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इसमें मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई नो दैट यू हैव लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम, और आपकी एग्जाम्स, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड यू हैव लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम. तो आपको क्या करना है, इसीलिए हमने ये लाइव सीरीज रखी है. इसमें मैं बहुत ही ईजी और सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ कि जिससे आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए एंड यू आर देयर. ओके, आपके वो मार्क्स मिल जाएंगे. सो यू कैन गो टू माय प्रीवियस लेक्चर्स, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं. उसमें मैंने ऐसे सिंपल सिंपल बातें बताई हैं, वर्बल एनालॉजी के लिए है, होगी किस तरह से आप रिलेट करेंगे वर्ड्स को, बस आप वो टाइप्स देखिए एंड आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड यू कैन ईजिली एंड क्विकली सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्बल एनालॉजी. ओके, तो ये था. तो अब आपको क्या करना होता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन टुडेज क्लास. वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द कॉन्सेप्ट्स कि कौन से टॉपिक में करना क्या होता है. ओके, जैसे हमने अप्रोप्रिएटनेस में देखा, जैसे वी यहाँ पे इफ वी आर टू गेट भी हो सकता है या अचीव भी हो सकता है. अब आपको अप्रोप्रिएट कौन सा लगता है उसको आपको सेलेक्ट करना है. तो लगना इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है उससे ज्यादा कौन सा सेंटेंस को सूट करेगा, ये जो हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल में उसको कौन सा सूट करेगा वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं. ओके, देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं अब इसके हम. जैसे अब इसमें आपको क्या करना है, सो यू नीड टू डैश फ्रॉम दैट गेट टू गो आउट. ओके, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे. ओके, और इसमें आपको क्या करना है, आप चूज अप्रोप्रिएट वर्ड. अब इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है कि ये हमारे चार ऑप्शंस में से यहाँ पे कौन सा फिट होगा. ओके, सो यू नीड टू डैश फ्रॉम दैट गेट टू गो आउट. अब आपको पता चल गया आपको क्या करना है, बाहर जाना है, गो आउट. तो बाहर जाने के लिए आप देखिए एंटर, एंटर का मतलब क्या होता है, अंदर आना, टू कम इन. ओके, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब कम इन भी नहीं होगा, मतलब कमिंग भी नहीं होगा. तो आपको आपका आंसर मिल गया. आपका आंसर क्या है, एग्जिट. एग्जिट मतलब बाहर जाना. ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि अब आप मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े होटल्स में जाते हो, तो वहाँ पे आपको दिया गया होता है कि आप एक एंट्रेंस गेट होता है जहाँ से आप अंदर जाते हो, और एक एग्जिट होता है जहाँ से आप बाहर आते हो.
So you need to exit from that gate to go out. अब बाहर जाने के लिए to go out, है ना? तो बाहर जाने के लिए आप क्या word select करोगे? Exit word select करोगे. So this is how. तो आपको पता होना चाहिए कि enter कहते हैं या exit कहते हैं. जब आपको पता चल गया कि उसको exit कहते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल गया. सेकेंड देखिए, she is so dash that she easily catches cold. मतलब वो कुछ तो है जिसकी वजह से उसको बहुत जल्दी जुखाम हो जाता है. ओके, कोल्ड, कैचेस कोल्ड, सर्दी हो जाती है. ठीक है, तो वो क्या होगी? सिंसियर होगी वो, सेंसिबल. अगर वो सेंसिबल होगी, उसका और सर्दी का कोई कनेक्शन है? नहीं है. तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता. सिंसियर, सिंसियर का और वो बहुत सिंसियर है इसीलिए उसको सर्दी हो सकती है? नहीं हो सकती. मतलब आपको क्या पता चल गया कि सिंसियर भी हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है. सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब नाजुक. तो यस, नाजुक अगर वो होगी तो उसको बहुत जल्दी सर्दी होगी. ये अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है. और सोबर, सोबर मतलब सिंपल. वो सिंपल है और सर्दी हो रही है, दिस डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो आपका आंसर क्या है? सेंसिटिव. सो शी इज सेंसिटिव दैट इज, सो शी इज सो सेंसिटिव दैट शी इजिली कैचेस कोल्ड. आर यू क्लियर विद दिस टॉपिक? And students, I want to tell you one more thing. जैसे अब आप ये vocabulary है, okay? तो इसमें क्या होता है कि आपको words के meaning पता होना बहुत important होता है. तो अब आपको words के आपको meaning पता कैसे चलेंगे? So it's a very easy method that you can follow. Take a dictionary with you. This you can apply to any topic related to English or related to verbal analogy, okay? So what you have to do is just take one dictionary, read first 10 words of that dictionary. कोई भी पेज ले लीजिए, first 10 words, 20 words, it depends totally upon the time that you have and you are spending on this particular part. तो आपको क्या करना है? वो words लीजिए, वो words पढ़िए, उनके spellings देखिए, उनके मीनिंग्स देखिए, ओके? एंड उससे जब आपको मीनिंग पता चल गया, तो आप खुद का सेंटेंस बनाइए. वो जो भी वर्ड है, उस वर्ड को लेके आप अपना खुद का सेंटेंस फ्रेम कीजिए. तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी और ज्यादा बढ़ती जाएगी. एंड ट्राई टू मेक सेंटेंस विद दैट वर्ड प्लस विद द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड या सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड, ओके? इससे क्या होगा कि आपको उस वर्ड का भी सेंटेंस बनाने आ जाएगा और आपको एक और सेंटेंस मिलेगा जिससे जिसमें उसका जो सिमिलर वर्ड है वो भी उसमें होगा. तो इस तरह से आप आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ओके? बट नाउ यू हैव वेरी लिमिटेड डेज विथ यू, सो वॉट यू डू इज जस्ट रीड द आर्टिकल्स, रीड द बुक्स. कोई भी आपकी फेवरेट बुक हो, कोई कुछ भी हो, आर्टिकल हो, न्यूज़पेपर हो, उनको रीड करते जाइए. और उसमें अगर कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड मिलता है, उसका वो उसका मीनिंग आप डिक्शनरी में से फाइंड आउट कीजिए, ओके? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. और आपको जो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, दैट विल बी नॉट वेरी डिफिकल्ट. Because I know you all studying for so many months exam ke liye, to ab tak to aapki vocabulary already bahut achhi ho gayi hogi. But these are very few tips and tricks that you can follow through which it will help you to get a very good score, okay? So ye to ho gaya about appropriate word or ऑप्शन दैट बेस्ट सूट्स फॉर. तो इसके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स ही आते हैं. उसमें आपको या तो पूछा जाएगा चूज अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, या फिर आपको पूछा जाएगा विच वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बेस्ट सूट्स फॉर इन द ब्लैंक, ओके? इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेंगे.
तो अब हम बढ़ेंगे हमारे सिनोनिम्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिनोनिम। तो अब हम देखते हैं सिनोनिम मतलब क्या होता है। तो सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स एग्जैक्टली द सेम एज और वेरी नियरली द सेम एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। ओके, तो सिनोनिम क्या होता है? तो वो होता है जिस जब भी कोई वर्ड होता है उसका जो सिमिलर वर्ड होता है, वो सिमिलर वर्ड जो जो भी होगा लेकिन वो सेम लैंग्वेज में होना चाहिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सिनोनिम। जैसे क्लोज सिनोनिम ऑफ शट, शट मतलब भी बंद करना, क्लोज मतलब भी बंद करना। ओके, अब क्लोज मतलब नजदीक भी होता है लेकिन यहाँ पे शट का सिनोनिम भी क्लोज हो सकता है। ओके, होता ही है मतलब। जैसे एक और लेते हैं हम बिग, बिग का सिनोनिम क्या है? लार्ज। ओके, बिग का सिनोनिम होता है लार्ज। तो कभी कभी किसी किसी सेंटेंसेस में हम बिग यूज करते हैं, किसी किसी सेंटेंस में हम लार्ज यूज करते हैं, सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। या फिर स्मॉल, टाइनी, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ओके, या स्टॉप, हॉल्ट, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। तो इस तरह से सिनोनिम वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, व्हाट आर एंटोनिम्स? सो सिनोनिम का अपोजिट एंटोनिम होता है। सो एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनादर वर्ड। तो जैसे सिनोनिम सिमिलर वर्ड होता है या सेम वर्ड होता है, वैसे एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे बैड इज एन एंटोनिम ऑफ गुड, गुड बैड। ओके, ये एंटोनिम्स है, दीज आर अपोजिट। जैसे बिग, अब बिग का ही लेते हैं, बिग का अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? स्मॉल। सो व्हाट्स द एंटोनिम ऑफ बिग? स्मॉल। ओके, सो सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड्स। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कुछ रूल्स। सो नाउ दीज सिनोनिम्स, अब ये सिनोनिम आपको, अब एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो होते हैं ना, तो ये इन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, सो दे माइट बी ईदर नाउन्स, ईदर एडजेक्टिव्स, ईदर वर्ब्स और एडवर्ब्स। ओके, सो इसमें क्या होता है कि और एक और चीज होता है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अगर नाउन होगा तो उसका जो आंसर होगा वो भी 100% नाउन ही होगा। ओके, तो अगर आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन जो है वो नाउन में है तो आपको क्या ढूंढना है, तो आपको मीनिंग ना पता हो तो भी चलेगा। आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है कि आप इसमें से नाउन कौन सा है, सिर्फ वो ढूंढे, फर्स्ट थिंग। अब पॉसिबिलिटी है कि देयर माइट बी टू और थ्री नाउन्स, तो उसमें डेफिनेटली आपको मीनिंग पता होना जरूरी है, लेकिन फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज पहले क्या जो क्वेश्चन में जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच दी है वही आंसर में ढूंढिए। सो वेदर इट कुड बी नाउन, इट कुड बी एडवर्ब, इट कुड बी एडजेक्टिव और इट कुड बी वर्ब, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ऑल दीज फोर। ओके, और जैसे नाउन के लिए अप्लाई होता है इट्स सिमिलर गोज विथ एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। अगर क्वेश्चन आपका एडवर्ब में है तो आपका आंसर भी एडवर्ब में ही होगा, ये भी एडजेक्टिव ही होगा और ये भी वर्ब ही होगा। ओके, दिस इज योर एडवर्ब एंड दिस इज योर एडजेक्टिव। ओके, अब देखते हैं कि ये नाउन्स कैसे पहचानने होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे नाउन्स जो है हमारे, तो अगर किसी भी वर्ड के बाद में अगर एम ई एन टी लग रहा हो, सफिक्स जिसे बोलते हैं, बाद में अगर लग रहा हो
वो हमेशा नाउन ही होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट, अगर हमने देखा तो वॉट इज दिस एग्रीमेंट, दिस इज नाउन. ठीक है. डम अगर है, फ्रीडम अगर हम लेते हैं, जैसे फ्री है उसके आगे डी ओ एम, दिस डी ओ एम लग गया, तो ये क्या बन गया हमारा नाउन. ओके. देन अब सीई, जैसे एडवाइस, सीई लग गया तो ये क्या बन गया हमारा नाउन. इज्म, अगर इज्म का कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, नेशनलिज्म, इज्म आ गया, ये क्या बन गया हमारा नाउन. अब टी आई ओ एन, जैसे नेशन, टी आई ओ एन. नाउ शिप, अब कैन यू टेल मी दैट शिप किसके आगे लगेगा तो वो नाउन बन जाएगा. किसी के भी आगे आप लगा, किसी के भी आगे मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके आगे शिप लगता है. कैन यू टेल मी वन सच वर्ड. यस कविता, गुड इवनिंग. टेल मी सो विच इज द वर्ड जिसके आगे शिप लगता है. फेलोशिप, एब्सोल्यूटली करेक्ट. फेलोशिप एक वर्ड है जो कि हो गया नाउन हमारा फेलोशिप. दिस इज ई. ओके. वन मोर वर्ड विच इज वेरी कॉमन जो आप बहुत बार यूज करते हो वो है फ्रेंडशिप. यस, फ्रेंडशिप भी वर्ड है, ये भी क्या है नाउन है. वैसे ही अगर टी वाई लगा दे आप तो वो क्या बन जाएगा नाउन बन जाएगा. आप टी वाई के लिए बताइए जल्दी से वर्ड. टी वाई के लिए कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं. सो मेनी वर्ड्स आर देयर एंडिंग विद टी वाई. अगर हम बोले फैकल्टी तो ये लग गया टी वाई और ये बन गया हमारा नाउन. ओके. आई एस टी लास्ट में होगा तो भी बनेगा हमारा नाउन. अब आई एस टी के लिए बताइए कोई भी एक वर्ड. हाँ स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू. वैसे ही एज का बनाना है हमें ये सारे. अब एक कॉमन चीज जो आपको याद रखनी है जिसके भी आगे, जैसे अगर एम ई एन टी सेंटेंस के आगे लग गया तो फिर अगर सेंटेंस कुछ भी हो, सेंटेंस नहीं वर्ड के आगे लग गया तो वो जो वर्ड है वो आपका नाउन ही होगा हमेशा. तो अगर आपको इनकेस मीनिंग नहीं पता है लेकिन आपको क्या पता है कि वो नाउन है तो आपको आंसर में भी नाउन ही पहचानना है. ओके. तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है. जैसे एम ई एन टी, अब सैक्रामेंट है, हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे. जैसे सैक्रामेंट है तो ये इसका भी अब आंसर जब आप ढूंढोगे तो आप कौन सा नाउन ही ढूंढोगे. करेक्ट. तो नाउन में शायद शिप आ सकता है, मतलब वर्ड कोई, या डिपेंड्स, लेकिन आ सकता है इसमें से कोई भी एक, तो वो आप इजीली गेस कर सकते हो.
एज है उसके लिए कौन सा वर्ड आप यूज करोगे? इमेज, यस। सी वाई के लिए डेमोक्रेसी, सी वाई लग गया डेमोक्रेसी। चन, फ्यूजन, उसके बाद सिर्फ वाई है ये तो, इसके तो कितने सारे एन नंबर ऑफ वर्ड्स है दोज एंड विथ वाई। ब्यूटी, अब ई आर, ई आर के लिए कौन सा वर्ड है? ओ आर देखते हैं पहले, फैक्टर, फैक्टर है। टी एच जैसे फिफ्थ, कोई भी इसमें से कुछ भी ले लो, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, टी एच लग गया तो वो आपका हो जाएगा नाउन। ओके, अब एडजेक्टिव्स के एंड में, मतलब जो भी वर्ड है उसके एंड में अगर एफ यू एल या आई सी या एबल या ए एल या वी ई या ओ यू एस या आई बी एल ई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स तो वैसे भी बहुत इजी होते हैं, अगर ये भी नहीं हो तो कुछ और भी एडजेक्टिव हो तो भी आप इजीली गेस कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स पता भी है। जैसे ये ब्यूटी में वाई लग गया तो ये नाउन है, उसी तरह से अगर आप बोलोगे ब्यूटीफुल तो ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। ओके, इस तरह से आपको ये एडजेक्टिव वाले सब सॉल्व करने हैं। अब एबल के लिए आप क्या यूज करोगे? एबल के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? कुछ भी, केपेबल, है ना? तो ये सारे आपके ऐसे एडजेक्टिव्स लिखने हैं, जैसे फेमस, ए एम ओ यू एस, फेमस, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब कैसे पहचानना है आपको? एडवर्ब, यस, ई आर के लिए इंजीनियर बताया है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। इंजीनियर जो है ये आप इसमें लिख सकते हैं, करेक्ट है एकदम स्पेलिंग उसका नाउन। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब कैसे पहचानोगे? अब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे जब भी एल वाई लग जाता है, अब ये एडवर्ब कैसे बनता है? एडजेक्टिव प्लस एल वाई, मतलब क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है। ओके, सो उसके आगे जब भी एल वाई लग जाता है तो वो होता है आपका एडवर्ब। जैसे ब्यूटीफुली अगर आप बोलोगे ब्यूटीफुल के आगे बस एलवाई लगा दिया तो वो हो गया आपका एडवर्ब। ओके, तो ये इस तरह से आपको एडवर्ब्स बनाने हैं। अब जो इसमें नहीं आते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? वो होते हैं वर्ब्स। मतलब नॉट ओनली दिस, ये सारे हमने लिमिटेड देखे हैं अभी, विच फ्रीक्वेंटली और विच आर मोस्ट प्रोबेबली टू कम इन योर एग्जाम, ये बहुत कॉमन जो है वो देखे। इसमें और बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम बहुत सारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी इस सब में नहीं आते या किसी के आगे ये सब नहीं लगता है वो किस में आते हैं? वो आते हैं वर्ब्स में। वर्ब्स, अब आपको पता है वर्क है, प्ले है, ये सारे जो होते हैं वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स आर वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, उसमें ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ओके, तो वर्ब्स आर वेरी सिंपल,
वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एक्शन जो एक होता है ईडी लगता है या फिर आईएनजी लगता है, तो वर्ब के आगे मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है, आईएनजी, या तो वो एक्शन वर्ब्स होते हैं या तो वो आईएनजी वाले होते हैं, जिसके भी आगे आईएनजी लग गया वो आपका वर्ब बन गया। ओके, एक्शन बताने वाले जो भी होते हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं, और सॉरी और ईडी होता है, एक और आईएनजी नहीं ईडी, जिसके भी आगे ईडी लग गया वो भी सारे क्या होते हैं, वो भी सारे वर्ब्स होते हैं। दिस इज वेरी इजी ना। अब ये नाउन्स का हो गया, अब एक और एक एग्जाम्पल देखें, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कौन सा एग्जाम्पल ले, कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल एज सैक्रामेंटी ले लेते हैं। चलो, तो अगर हमारा वर्ड है सैक्रामेंट, ओके, इसका हमें क्या करना है, हमें सिनोनिम पहचानना है, और हमारे पास ऑप्शंस जो है वो है डिसअपॉइंट, सेकंड है एग्रीमेंट, थर्ड है एडवर्सली, दिस आर, ओके, और फोर्थ है केपेबल, ओके। अब आपका सैक्रामेंट का मीनिंग वैसे मैं बताती हूँ, सैक्रामेंट का मीनिंग मतलब किसी के साथ भी जो भी हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं उसे सैक्रामेंट बोलते हैं, जो लीगल जो हम किसी के भी साथ टाइप करते हैं या किसी के भी साथ किसी चीज़ का बॉन्ड जब भी हम साइन करते हैं या उसको सैक्रामेंट कहते हैं, ओके। तो वैसे अब मीनिंग बताने के बाद तो आपको पता चल गया होगा एग्रीमेंट उसका आंसर है, ओके, यस, करेक्ट करेक्ट, सो द आंसर इज बी, करेक्ट। लेकिन वो कैसे हमने फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे आया हमारा M-E-N-T, ओके, मेंट, और यहाँ पे भी M-E-N-T क्लियर है, लेकिन ये भी देखिए आप, डिसअपॉइंट ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा नाउन है, एडवर्सली क्या है, एडवर्ब है, Capable क्या है, एडजेक्टिव है, ओके, सो दीज आर, तो ये क्या है, ये हमारा नाउन है, तो हमें यहाँ पे भी क्या पहचानना है, यहाँ पे भी हमें नाउन ही पहचानना है, इसीलिए हमने कौन सा आंसर टिक किया, एज सैक्रामेंट, सॉरी अग्रीमेंट, तो सैक्रामेंट का सिनोनिम क्या होता है, एग्रीमेंट, ओके। इस तरह से इवन दो इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग of a particular word, you can still guess the answer properly here, okay? That is the rule. So, ye to ho gaya synonym aur antonym. Now, yes, I want to tell you one more thing. Ye to humne sirf synonym ka dekha. Antonym ke liye bhi same rule apply hota hai. Jaise agar antonym ke, jaise synonym ke liye noun ka synonym noun hi hota hai, waise antonym ke liye bhi एंटोनिम का जो आंसर आपका जो होगा, अपोजिट वर्ड जो होगा वो भी नाउन ही होगा, नाउन का नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, वर्ब का वर्ब और एडवर्ब का एडवर्ब ही होगा, ओके। तो सेम रूल अप्लाइज विथ एंटोनिम्स, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिमिलर एंटोनिम्स में आपको सिमिलर वर्ड नहीं फाइंड आउट करना,
आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, अब हम एक और चीज देखेंगे, स्पेलिंग करेक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी में. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं ये स्पेलिंग करेक्शंस पे, बट क्वेश्चंस डू कम ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. स्पेलिंग करेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेलिंग करेक्शन इज अ लैंग्वेज एनालिसिस टूल दैट आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स एज पर द सेंटेंस. ओके, तो जैसे अगर मान लो कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मुझे कहना है टॉप. ओके, टॉप कहना है मुझे. ये हमारे तीन ऑप्शंस है हमारे पास. ओके, दीज आर द थ्री ऑप्शंस विथ यू. ये है टी. ओके, दिस इज ऑल्सो टी. सॉरी, ओके, अब मुझे कहना था टॉप. ओके, टॉप का अब करेक्ट कौन सा स्पेलिंग है? सो नाउ दिस, अब एक और, अब इसका तो ये है टॉप. ओके, सी. लेकिन अब देर आर टू डिफरेंट स्पेलिंग. सो अगर स्टेयर्स है, ओके, स्टेयर्स और स्टेयर्स, अब इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है. ये दोनों करेक्ट वर्ड्स है, ये दोनों भी यूज होते हैं सेंटेंसेस में, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं. ये स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, और ये स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना. ओके, तो अगर आप रॉन्ग सेंटेंस में रॉन्ग वर्ड डाल दोगे, अगर मुझे कहना है वो मुझे घूर रहा था, एंड इफ आई यूज द स्पेलिंग ऑफ स्टेयर्स एज दिस, तो पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया, राइट? इसीलिए स्पेलिंग करेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वोकैबुलरी में. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हो, सो दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट मीनिंग फॉर द सेंटेंस. तो इसीलिए आपको क्या ध्यान में रखना है? करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. ओके, तो कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जैसे अब यहाँ पे आपने देखा, अब आपको पता नहीं होगा फेयर कभी सिमिलर होता है, फेयर एफ ए आई आर और एफ ए आर ई, फेयर. ओके, ये फेयर मतलब घोड़ा होता है, ये फेयर मतलब सवारी, या जो भी पैसे हुए होते हैं किसी भी, आपने कहीं ट्रैवल किया होगा तो उसे कहते हैं फेयर, जो पैसे हुए उसको. ओके, तो इसमें भी आप कंफ्यूजन कर सकते हो. तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दोगे तो आपका आंसर तो रॉन्ग होगा और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. इसीलिए ये स्पेलिंग करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको एग्जाम में क्या दिया गया होगा? यू विल बी गिवन वन और टू ब्लैंक्स, और नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, अब या तो आपको ब्लैंक दिया होगा, सेंटेंस होगा, सेंटेंस में बीच में ब्लैंक होगा, जिसमें आपको चार ऑप्शंस में से करेक्ट कौन सा फिट होता है वो चूज करना है. और सेकंड, आपको ऐसे पूछ सकते हैं, देयर माइट बी थ्री रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड. कोई भी एक वर्ड होगा जिसके तीन रॉन्ग स्पेलिंग्स होंगे और एक करेक्ट स्पेलिंग होगा, तो वो करेक्ट स्पेलिंग, अब वो उसमें उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको, अगर इन केस, अगर मान लीजिए ये हमारा वर्ड है स्पेल. ओके, अब वो क्या कर सकते हैं? आपको पी डबल दे सकते हैं. सो ये अगर आप प्रनाउंस करोगे तो इसका भी मीनिंग क्या हो जाता है? स्पेल ही होता है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? ये है. तो ये आप कैसे इंप्रूव करोगे? विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी इटसेल्फ. आपको क्या करना है? और एक छोटी सी चीज है जो आप याद रख सकते हो, जैसे अगर मैं पॉट कह रही हूं, ओके, अगर अब आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, जैसे हमने देखा, अगर मैं पॉट कह रही हूं तो प इसमें से कौन सा है? ऑब्वियसली ये है.
ओ कह रही हूं तो ये तो ए हो गया, पैट मतलब ये रॉन्ग हो गया, पॉट कह रही हूँ पी ओ का ये करेक्ट हो गया। ओके तो अगर आप प्रनाउंस करके देखोगे किसी भी वर्ड को, किसी भी स्ट्रेस दोगे कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हो वो अगर आपको पता होगा तो आप ये स्पेलिंग करेक्शन वाले आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके तो अब यहाँ पे कुछ रूल्स है स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या रूल है देखते हैं। सो व्हाट द रूल सेज, If the word to which the suffix full is added ends in double L, only one L is removed from the word. Okay? So, हमारा example क्या कहता है देखिए, जैसे अगर ये skill है पेन यार, ओके तो अगर हमारा वर्ड है स्किल तो यहाँ पे क्या हुआ है एस के आई डबल एल, और रूल क्या कहता है उसके आगे अगर फुल लग गया, स्किल के आगे अगर एफ यू डबल एल फुल होगा तो वो जब पूरा वर्ड बनेगा तो जो हमारा वर्ड है ये जो डबल एल एल है ये डबल एल कैंसिल, इसमें का एक एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलेगा एज सिर्फ स्किल। ओके तो ये एक रूल है जो आप याद रख सकते हैं। फिर सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन द सफिक्स फुल इज एडेड टू अ वर्ड वन एल इज रिमूव्ड, जैसे फेथ इसमें एल रिमूव हो गया तो इसमें फुल का एल रिमूव हो जाएगा। ओके तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए आंसर, आप देखिए यहाँ पे फेथ एफ ए टी एच और ये फुल जो डबल एल होता है वो क्या हो गया हमारा, तो वो तो फेथ। ओके ये जो एक और L यहाँ पे होना चाहिए था वो हमारा L कैंसिल हो गया। वैसे ही यूज प्लस फुल अगर करोगे तो क्या हो गया यूजफुल, ये L जो है यहाँ का वो कैंसिल हो गया। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल अगर ये वर्ड बना रहे हो आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक L कैंसिल हो गया। अब थर्ड रूल देखते हैं, वर्ड्स ऑफ टू और मोर सिलेबल्स एंडिंग इन सिंगल वोवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे परमिट है इसमें क्या है दो या तीन से ज्यादा सिलेबल है। ओके परमिट, ओके प्लस अगर उसको क्या लग गया ईडी लग गया तो जो हमारा टी है ईडी मतलब ये इन्होंने क्या बोला है एक वॉवल, अब आपको पता ही होगा वॉवल्स कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं और ये छोड़ के जो भी लेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या बताया एक वॉवल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो इसमें ई डी में एक वॉवल है एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर इस तरह का अगर हमारा सफिक्स लग रहा होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो परमिट जो मेन वर्ड है उसका एंड लेटर हमारा डबल हो जाएगा, जैसे टी डबल हो गया। ओके दीज आर वेरी इजी एंड सिंपल रूल्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, जैसे ऑकर है आई एन जी लग गया आई एन तो ये क्या हो गया एक वॉवल है और कॉन्सोनेंट भी है तो आर जो है वो डबल हो गया हमारा। ओके उसके बाद कंट्रोल प्लस ईडी कंट्रोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल डबल हो गया। सिमिलर गोज विद बिगिनिंग, जैसे बिगिन प्लस आई एन जी विल बी बिगिनिंग, तो इसमें क्या हुआ तो आपको क्या याद रखना है अगर एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट हो आपके सफिक्स में वर्ड प्लस द सफिक्स तो जो हमारा वर्ड है उसका लास्ट लेटर डबल हो जाता है। ओके तो हमने ये पहले तीन रूल्स देखे, अब हम नेक्स्ट तीन रूल्स देखते हैं। ये क्या कहते हैं, द कॉन्सोनेंट
L is doubled in the words ending in single vowel plus L before the suffix beginning with a vowel. मतलब क्या है, जैसे single plus ing लग रहा हो वॉवेल से, अगर स्टार्ट होने वाला सफिक्स लग रहा हो यहाँ पे, तो ये जो होता है एल, ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. तो सिग्नल हो, रिपेल हो, क्वेरल हो, ट्रैवल हो, इनके आगे क्या लग गया, आई एन जी, ई एन टी, ई डी, ई आर. तो ये जो ई है, आई है, ये सारे क्या है, वॉवेल्स है. तो जब वॉवेल्स लग गए, इसीलिए क्या हुआ, इनके जो एल है वो डबल हो गए. So this is one more rule. Next, fifth rule says words ending in silent e, drop the e before a suffix beginning with a vowel. जैसे hope, hope में e का sound है वो silent है, e का sound नहीं आता है. तो जब उसके आगे vowel लग जाता है तो e drop हो जाता है. जैसे लाइव है तो ये ई ड्रॉप हो गया, ई डी लग गया, लिव्ड हो गया. ड्राइव है, ई आर लग गया, ड्राइवर लग गया, ये वाला ई ड्रॉप हो गया, कैंसिल हो गया. टायर, आई एन जी, टायरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ई कैंसिल हो गया. ओके, आर वी क्लियर विद द रूल? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ रूल की तरफ. हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है, If the suffix begins with a consonant E, is not dropped. अगर यहां पे हमने क्या देखा, अगर vowel के साथ begin हो रहा है तो E हट जाता है, लेकिन अगर consonant के साथ अगर start हो रहा होगा हमारा suffix, तो यहाँ का E नहीं हटता. देखते example, जैसे hopeful plus मतलब होप प्लस फुल लग गया, होपफुल. हमने जैसे रूल देखा था, ये एल हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन ये ई हमारा एज इट इज रह गया. ओके, द सिंसियर प्लस एल वाई लगा, ये एल वाई जो है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो इसमें कोई भी वॉवल नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, ये सिंसियरली हमने यहाँ पे यूज किया. अब इसके कुछ एक्सेप्शन है. वॉट आर एक्सेप्शन, मतलब कुछ तो इसमें ऐसे है जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. ऐसे देखते हैं, जैसे ट्रूली. अब ट्रूली में ई जो है ये तो कॉन्सोनेंट ही से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ का ई गायब हो गया है. मतलब ये वाले सेंटेंस, ये वाले वर्ड के लिए जो हमारा रूल है, रूल नंबर सिक्स, वो अप्लाई नहीं होता. वैसे ही नाइन्थ के लिए नहीं होता, और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए भी नहीं अप्लाई होता. अब नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर सेवन. तो व्हाट आर रूल नंबर सेवन सेज, दैट अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर अ सफिक्स एक्सेप्ट आई एन जी. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैरीड होगा, तो ये जो y है ये किसके साथ रिप्लेस हो गया, i के साथ रिप्लेस हो गया. जैसे हैप्पीली है, हैप्पी प्लस ly है, तो ये y जो है ये किसके साथ रिप्लेस हो गया, ये i के साथ रिप्लेस हो गया. ओके, सिमिलर हैपेंस विथ मैरी प्लस एज. अगर है मैरिज, तो ये y ना यूज होते हुए, व्हाट डिड वी यूज हियर, वी यूज्ड i. ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटी प्लस फुल. So beautiful के लिए भी this y was exchanged with I, okay? But there are few exceptions. जैसे यहाँ पे बोला this except ing. अगर marry plus अगर ing add हो रहा हो, so what it will become, marrying. Y will remain as it is because we cannot use double I here, okay? Then carry plus ing if we are using. So carrying, y will remain as it is. So that was rule number 7. Now we are left with only last two rules. Okay, so let's see rule number 8. A final y following a vowel does not change before a suffix. Example, delay plus ed is equals to delayed.
ओके देन मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाई फॉलोइंग विद अ वोवेल डज नॉट चेंज बिफोर अ सफिक्स, मतलब ये वाई चेंज नहीं होता अगर ये जो आपका जो सफिक्स है वो अगर वोवेल के साथ स्टार्ट हो रहा हो तो. जैसे प्ले प्लस ई आर, ये ई जो है ये भी वोवेल है, इट बिकेम प्लेयर एज इट इज. प्रे प्लस ई डी प्रेड, ओके ये एज इट इज रहेगा. अब रूल नंबर 9 देखते हैं, व्हेन द सफिक्स आउट इज एडेड टू अ वर्ड एंडिंग इन सी ई और ई इज चेंज्ड टू आई, हाउ लेट सी. तो स्पेस, ओके अब ओ यू एस, सॉरी दिस दिस शुड बी एस, ओ यू एस सफिक्स ओ यू एस इज एडेड. तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ई है दिस विल बी रिप्लेस्ड विद I, C E या फिर E will be replaced with I. अगर O U S आपका suffix लग रहा हो तो, so wise plus O U S vicious, then malice plus O U S malicious, grace plus O U S gracious. Okay? So that was all about the spellings. अब spellings के भी rules आपको पता चल गए. अब इस लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा, वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोकैबुलरी, व्हाट इज वोकैबुलरी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग हमने देखा अप्रोप्रिएटनेस, मतलब क्या होता है, व्हाट डज अप्रोप्रिएट मींस. फिर हमने देखा ऑप्शन बेस्ट सूट्स फॉर में क्या करना होता है. फिर वी मूव्ड ऑन टू आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके रूल्स देखे हमने, सिनोनिम एंटोनिम कैसे पहचानने हैं वो हमने देखे. ओके सॉरी डियर आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली, हाउ द वर्ड यूज इन डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स, सो विच वर्ड आर यू टॉकिंग अबाउट, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. कौन से वर्ड की बात कर रहे हो एंड विच वर्ड यू वॉन्ट द वर्ब फॉर्म्स ऑफ दैट वर्ब. So if you are talking about any word, then it is easy. Verb forms जो होते हैं वो तो as it is होते हैं, जैसे आपका base जो होता है वो, for example, let's take example, go, go के साथ went आएगा, went का फिर past participle gone होगा, go went gone, और उसका present participle लगेगा. There are four forms, base, then there is past, then there is past participle, and then there is present participle. These are the four verb forms of any particular verb. Okay? So, agar humne go example liya, to go ka kya hoga? Go, went, gone, or going. Jo present participle hota hai, wo go plus ing lag jata hai. Okay? So, that is how you make the verb forms. So that was about verb forms. Aur phir meaningful words, sentence filters, idiom and phrases. Okay, you want we are going to, I have discussed all these topics in the other lectures. Okay, you can go and check them out. So usme aapko ye sare question ke answers clear ho jayenge. Okay. और जो भी रिमेनिंग होगा वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, डोंट वरी अबाउट इट. सो दैट वाज अबाउट आज का लेक्चर. तो इसमें हमने फिर लास्ट जो हमने देखा वो था स्पेलिंग करेक्शंस का. ओके सो स्पेलिंग करेक्शंस में हमने ये सारे रूल्स देखे, यू जस्ट नीड टू फॉलो ऑल दीज रूल्स वेन एवर. तो आप क्या कीजिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कीप दीज रूल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गिव द करेक्ट आंसर. ओके फॉलो दिस. And then उसके बाद हमने अब in the next class we are going to look at the question, previous year question and answers related to these topics, कि कौन सी way में कौन से questions और किस तरह से वो questions पूछे गए थे और उनके answers क्या थे. Okay, that we will be discussing in tomorrow's lecture.
Stay tuned till tomorrow. Okay? So let's meet tomorrow. Till the time, revise all these topics. Happy learning. I hope I have cleared all the doubts. And if not, do let me know by tomorrow. Thank you.